तो चलिए चांदनी जी ये उपाय कीजिएगा। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गई है, शोभा जुड़ गई है। शोभा जी स्वागत है आपका, अपना सवाल पूछिए। जी शोभा जी आवाज पहुंच रही है आप तक? हेलो जी। हेलो जी। जी, जी मेरे बच्चे के बारे में पूछना था। जी बताएं। मैं छोटा बच्चा है, उसका डेट ऑफ बर्थ 24 जून 2014 को सुबह 7:30 बजे। जी समय बताइए। जी सुबह 24 जून सुबह 7:30 बजे पटना में हुआ है, पटना बिहार। जी क्या जानना चाहते हैं? जी वो कैसा स्वस्थ रहेगा, उसका किस अच्छा से नाम रखे, संस्कारी बच्चा निकलेगा कि नहीं निकलेगा, दीर्घायु है कि नहीं। बहुत छोटा बच्चा है, 9 साल के हुआ है। जी जी ठीक है, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। बहुत छोटा बच्चा है लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ कि आपके बच्चे की पत्रिका कैसी है और उसके जीवन में क्या क्या स्थितियां उसकी रहने वाली हैं। इसकी जो हमने पत्रिका का विवेचन किया है, कर्क लग्न के अंदर जन्म हुआ है, वृषभ राशि है, कृतिका के दूसरे चरण में जन्म हुआ है। अगर आप इसका नाम ई अक्षर से रखते हैं, ईश्वर रख दें, बहुत अच्छा नाम है। स्वर्ण के पाए जन्म हुआ है, थोड़ा सा स्वास्थ्य में परेशानी का युग रह सकता है। इसके स्वास्थ्य के लिए आपको महामृत्युंजय का पूजन करा देना चाहिए, साथ में कम से कम 21,000 गायत्री मंत्र का जाप करा के हवन करा दें। आपके बच्चे के जीवन में अच्छे स्वास्थ्य का युग बनेगा, अच्छे ज्ञान का युग बनेगा, अच्छे सफलता का युग बनता चला जाएगा। बिल्कुल, तो चलिए ये उपाय कीजिएगा और इस बात का ध्यान भी जरूर रखिएगा। नंबर्स आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहे हैं, आप इन नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं और कोई भी सवाल आप आचार्य जी से पूछ सकते हैं। आचार्य जी हमारे साथ लगातार मौजूद हैं स्टूडियो में। आचार्य जी, हालांकि कई बार देखा जाता है कि कुछ लोग बुरे लोगों के साथ होते हैं, यानी कि गलत संगति का असर नशे की प्रॉब्लम पर कितनी जिम्मेदार होती है वो चीज? बिल्कुल रितिका जी, मैंने जो शुरुआत में क्या बोला, ईश कृपा बिन गुरु नहीं, गुरु बिना ना ज्ञान, ज्ञान बिना आत्मा नहीं, गामे वेद पुराण। हमारे जीवन में जब अच्छे गुरु की स्थिति समाप्त हो जाती है, प्रथम गुरु कौन बोला है? गोस्वामी जी ने बोला है, प्रात काल उठकर रघुनाथा, मात पिता गुरु ना माथा, तुम्हें वो माता। सबसे पहली गुरु कौन बताई गई? माता बताई गई है। कोई बच्चा, अगर आपका बच्चा जिद्दी होता चला जा रहा, आपकी बात को नहीं मान रहा है, उसके दिमाग में अहंकार के योग बनते चले जा रहा है, तो आप उसकी पत्रिका का विवेचन सही समय के अंदर जरूर करा लीजिएगा। कहीं उसकी पत्रिका में चांडाल दोष तो नहीं बना हुआ है, अपमान योग तो नहीं बना है, अरिष्ट योग तो नहीं बना हुआ है, अंगारक दोष तो नहीं बना हुआ है। एक कारण नहीं हो सकते हैं, बर्बादी के रास्ते पर ले जाने के लिए अनंत योग बताए गए हैं। उसकी पत्रिका का उसके लक्षण को आपको देखना है कि आपके बच्चे की प्रवृत्ति कैसे होती चली जा रही है। जो जस्य अन्नम ब्रूते सो तस्य पापम भक्षति, जैसे संगति के अंदर वो जा रहा है, अच्छे लोगों के बीच में जा रहा है तो शुभ ग्रह का प्रभाव है। अगर बुरे संगति में वो बच्चा आपका जा रहा है तो आपको विवेचन करना है कि कहीं ना कहीं से उसके जो ग्रह है उसको गर्त की ओर लेके जा रहे हैं, उसका निदान आपको करना चाहिए। दूसरी चीज मैं समझाना चाहता हूं, कई बार हम क्या देखते हैं, हमारे बच्चे की स्थिति बहुत अच्छी हो गई, हम उसको हमारे माध्यम से कुछ गलतियां हो जाती हैं, उसको भी ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। सही समय पर भी कई माता पिता होते हैं क्या देखते हैं, बच्चे के सामने ड्रिंक करना प्रारंभ कर देते हैं, क्योंकि जैसे आपके बीच में जैसा समाज आप देखेंगे वैसा आपके बच्चे के जीवन में परिवर्तन योग बनने वाला है। एक जो बच्चा होता है मखमल के कपड़े के जैसा होता है, कमल के पुष्प के जैसा होता है, गुलाब के पुष्प के जैसा होता है, उसके सामने कोई नकारात्मक चीजों का समावेश मत करें। क्योंकि आदिकाल में क्या कहा जाता था, पूर्वज लोग क्या कहते थे कि प्रातःकालीन होता था, मंदिर बच्चों को लेकर जाते थे, भगवान की उपासना जरूर बताते थे और पूर्वज बोलते थे जब सूर्य देव की उदय हो जाए तो आपको सोना नहीं है। अब क्या करते हैं, हम खुद सोते रहते हैं तो संस्कार क्या जाएंगे हमारे जीवन में, और हम दोष किसका देते हैं कि हमारा बच्चा गलत मार्ग पर चला गया। पहले भी इतने बड़े बड़े दोष हमारी पत्रिका में रहते थे लेकिन हमारे जो पूर्वज थे इतने अडिग थे कि हमें सत्कर्मों में लगा के रख देते थे, हम कभी गलत मार्ग पर नहीं जा पाते थे। फिर भी अपने तमाम दर्शकों को हम समझाना चाहते हैं, अगर आपकी पत्रिका में चांडाल दोष लगा है, गुरु नीच राशि के अंदर विराजमान है, शत्रु राशि के अंदर विराजमान है, सूर्य ग्रहण लगा है, सूर्य शत्रु राशि में विराजमान है, छठे आठवें बारहवें भाव के अंदर विराजमान है, दूसरे भाव के अंदर विराजमान है, तो उसका कारण अलग हो सकता है। कई बार हम अहंकार के कारण गलत चीजों का सेवन कर सकते हैं, कई बार मद के कारण हम अपने जीवन में बुराइयों को डाल सकते हैं, और कई बार हमारे जीवन में हम क्या देखते हैं, गलत संगति के कारण हम बुरे रास्ते पर जा सकते हैं। अपने बच्चे के नेचर को देख करके अगर उसके पत्रिका में यह प्रकार का दोष है तो सही समय के अंदर उसका निदान करा दीजिए, ताकि आपके बच्चे के जीवन में जो भटकाव है वह बच्चा बच सके, उसके जीवन में अच्छे ज्ञान का युग बने, अच्छे पद प्रतिष्ठा मान सम्मान का युग बने। बिल्कुल,
चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, मनोज जुड़ गए हैं बिहार से। मनोज जी स्वागत है आपका, अपना सवाल पूछिए। मैं अपने लड़के के बारे में जानना चाहते हैं। जी जी बताइए उसके बारे में। उसका जन्म है 2 दिसंबर 1988। जी समय बताइए मनोज जी। दोपहर में 12:55। जी जन्म स्थान कहाँ का है? जमुई। जमुई जी, क्या जानना चाहते हैं आप? जी जानना क्या चाहते हैं? ये उनके सरकारी जॉब के बारे में जानना चाहते हैं, उसको भविष्य कैसा रहेगा इसके बारे में जानना चाहते हैं। भविष्य तो बहुत अच्छा है। हेलो। हाँ सर, भविष्य बहुत अच्छा है, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, बस राहु जी का निदान आपको करना चाहिए। गुरु इसको बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। इस समय अगर किसी भी एग्जाम के अंदर बैठता है तो अच्छी सफलता का योग बनाए, क्योंकि बुध आदित्य योग इसकी पत्रिका में बना है। दशम भाव से या किसी की पत्रिका में नवम भाव से कभी भी बुध आदित्य योग स्वराशि के अंदर बनेंगे या मित्र राशि के अंदर बनेंगे तो आप विश्वास मानिएगा, ऐसे जातक के जीवन में सरकारी नौकरी का योग बनेगा। जब भी अच्छी शुभ दशा अंतर दशा आएगी ऐसे जातकों के जीवन में सरकारी नौकरी का योग बन सकता है। चंद्रमा का ग्रहण इस पत्रिका के अंदर है, चंद्रमा का ग्रहण का निदान आपको जरूर करना चाहिए। भगवान शिव के मंदिर में जाकर जो सोमवार के दिन एक चंद्रमा का दान करना चाहिए और कच्चे दूध से भगवान शिव का रुद्राभिषेक करना चाहिए, उनसे प्रार्थना करना चाहिए। हे भोलेनाथ, हमारे बच्चे के जीवन में जो रुकावटों का समस्याओं का योग बना है समाप्त कर दीजिए। सच्ची भावना के साथ परमात्मा को पुकार के देखेगा, विश्वास मानेगा। इसी चैनल के माध्यम से आपको दावा करते हैं आपके बच्चे के जीवन में सरकारी नौकरी का योग बना है, सरकारी नौकरी की प्राप्ति हो जाएगी। बिल्कुल, और बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको अपने बेटे के लिए। तो फिलहाल आज हम बात करें नशे की लत के बारे में कि आखिर क्यों देश के युवा नशे की गिरफ्त में आते जा रहे हैं, और वो खास उपाय भी आपको बताएंगे जिसके जरिए आप नशे से मुक्ति पा सकते हैं। लेकिन फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले आपको बता दें कि नंबर्स आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर लगातार फ्लैश कर रहे हैं, आप इन नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं और कोई भी सवाल आप आचार्य जी से पूछ सकते हैं। लौटते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। को अरी का तो नई बोली सीख कर नई तकदीर बनाने चले हैं। खूबियों में एक और खूबी, अब सेल्फ स्टार्ट के साथ नई सीडी डिलक्स। खूबियों में एक और खूबी। खबरों को देखने का हर किसी का अपना नजरिया होता है, मैं तो सिर्फ सवाल उठाता हूँ, आपके सवाल आपकी आवाज बनकर। लाइव इंडिया, खबर हमारी, फैसला आपका।
खबरों को देखने का हर किसी का अपना नजरिया होता है। मैं तो सिर्फ सवाल उठाता हूं, आपके सवाल आपकी आवाज बनकर। लाइव इंडिया, खबर हमारी, फैसला आपका। चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम में। परिवार के टूटने और रिश्तों में खटास आने के पीछे की सबसे बड़ी वजह होती है नशा, और उसी के बारे में आज हम आचार्य जी से खास जानकारी ले रहे हैं और कुछ ही देर में आपको बताएंगे वो खास महा उपाय जिसके जरिए आप नशे की लत को दूर कर सकते हैं। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे लेकिन एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, आकाश जुड़ गए हैं मध्य प्रदेश से। आकाश जी स्वागत है आपका, अपना सवाल पूछिए। नमस्कार मैम जी। नमस्कार। नमस्कार गुरु जी। जय माता दी। सर मैं गुरु जी मैं ये पूछना चाह रहा था कि दीदी की शादी के बारे में पूछना चाह रहा था। आप डेट ऑफ बर्थ बताएं उनका। 29 सितंबर 1993। जी जी। समय बताइए। समय रात के 1:30 बजे। जन्म स्थान बंडेरा सरई के पास में। जी क्या बताया? बंडेरा। हाँ बंडेरा एक गांव है जो खरगोन जिले के अंदर आता है। खरगोन। अच्छा जी, जी। आप सवाल पूछ लीजिए आकाश जी। दीदी की शादी कब तक होगी और कब तक मतलब समय क्या आप बता सकते हैं और योग क्या बनेगा? देखिए बिल्कुल आपको बताना चाहते हैं आकाश जी, इनके विवाह का पिछले साल अक्टूबर से ही अच्छा योग चल रहा है लेकिन शनि जी की महादशा चल रही है। शनि जी इनकी पत्रिका में अष्टम भाव के अंदर विराजमान है, चंद्रमा के साथ विराजमान है, विष योग बनाते हैं। आपको विष योग का निदान करना चाहिए। अपने बहन के माध्यम से 16 सोमवार का व्रत रखाइए। उनसे बोलिए कि माता पार्वती जी का विशेष पूजन मैंने बताया था, थोड़ी दिन पहले बताया था, दोबारा बता रहे हैं। 21 अबिल पत्र लेना है, उस पर एक पर हल्दी के लिक्विड से अनार की कलम से ओम नमः शिवाय लिखना है। भगवान शिव के मंदिर में जाकर के सबसे पहले छाछ चढ़ाना है, छाछ के बाद गंगा जल चढ़ाना है। गंगा जल चढ़ाने के बाद ओम नमः शिवाय कहते हुए हर बिलपत्र को भगवान शिव को अर्पित करना है। माता गौरी जी को श्रृंगार कराना है, गौरी चालीसा का पाठ करना है और उनसे प्रार्थना करना है कि हे भगवान भोलेनाथ, हे माँ गौरी, हमारे विवाह में जो रुकावट का युग बना है इसको समाप्त कर दीजिए। इनकी पत्रिका में जो विष दोष बना है विवाह के पहले जरूर करा दीजिएगा, क्योंकि विष दोष जब किसी की पत्रिका में बनता है तो वह व्यक्ति थोड़े समय के अंदर बहुत प्रसन्न हो जाता है और थोड़े समय में बहुत निराशा में चला जाता है, डिप्रेशन में चला जाता है। यह निदान आप करा दीजिएगा। आपकी बहन की पत्रिका बहुत अच्छी है, उसके जीवन में अच्छे धनार्जन का योग बनेगा, अच्छे पति का योग बनेगा। बिल्कुल, तो चलिए ये उपाय कीजिएगा। हालांकि आचार्य जी नशे की लत एक आम बीमारी बन चुकी है लेकिन इसका निदान पाना, निजात पाना उतना ही मुश्किल हो चुका है। आपसे जानना चाहेंगे कि एक खास उपाय जो कि घर बैठे सभी लोग कर सकते हैं और लंबे अरसे से चली आ रही इस बीमारी को खत्म कर सकते हैं, कौन सा वो खास उपाय होगा? बिल्कुल, देखिए सबसे पहला चीज बताया गया है रितिका जी कि भगवान शिव जो है, अगर कोई व्यक्ति बुरी प्रवृत्ति में जा चुका है, बुरी संगति में जा चुका है, तो उन तमाम दर्शकों को समझाना चाहते हैं, उन तमाम माताओं को समझाना चाहते हैं, तमाम बहनों को समझाना चाहते हैं जिनके पति या जिनके पुत्र गलत मार्ग पर जा चुके हैं। आपको करना क्या है, आपको सोमवार के दिन भगवान शिव के मंदिर में जाना है, भांग होता है ना, दुनभंगा बनाना है, शिव महिम पाठ होता है, शिव जी का महिम पाठ कम से कम 1100 पाठ किसी आचार्य के माध्यम से करा के इसको 5 सोमवार आपको करना है और वह शिव जी को अर्पित करना, उनसे प्रार्थना करना है कि आपके बच्चे के जीवन में, आपके पति के जीवन में जो मदिरा का योग बना हुआ है, नशे का योग बना है, वह समाप्त हो। भगवान भोलेनाथ की कृपा से अच्छी आस्था के साथ इस उपाय को करके देखिएगा
और जैसे वह उपाय आप करेंगे धीरे धीरे आप क्या देखेंगे कि जो आपके पति हैं या आपकी संतान है उनको सद्बुद्धि प्रदान होना प्रारंभ हो गया है। दूसरी चीज मैं समझाना चाहता हूं, उनकी कुंडली का विवेचन जरूर करिएगा कि कारण क्या है, कहीं वो मंगल के कारण तो नहीं हो रहे हैं, कहीं गुरु के कारण तो नहीं हो रहे हैं, कहीं राहु जी के कारण तो नहीं है, या कहीं उनकी पत्रिका में सूर्य ग्रहण तो नहीं लगा हुआ है, पितृ दोष तो नहीं लगा हुआ है। उन तमाम दोषों का विवेचन जरूर कराना, और हमारे उन तमाम दर्शकों को हम समझाना चाहते हैं जो सचमुच नशे से मुक्ति प्रदान करना चाहते हैं उनको हनुमान जी की शरण में जाना चाहिए। मंगलवार शनिवार के दिन एक उपाय बता रहा हूं उसको करना चाहिए, बजरंग बाण का पाठ कम से कम 3 पाठ करना चाहिए, और उस 3 पाठ करने के बाद चमेली की तेल का जो है दीपक बना करके उसमें 7 लौंग के जोड़े डालना है, उनसे प्रार्थना करना है, क्योंकि हनुमान जी को क्या बोला गया, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनाए। इंसान की प्रवृत्ति नहीं है मेरे भाई बहन, जो गलत मार्ग पर जाते हैं, गलत चीजों का सेवन करते हैं, चाहे मांस मदिरा कुछ भी आप करते हैं, ये भूत प्रेत पिशाच दैत्यों का प्रवृत्ति है, उनसे प्रार्थना करना है कि हे हनुमान जी महाराज हमारे जीवन में जो ये बुराइयां आ गई हैं इसको समाप्त कीजिए। इसको कम से कम 11 मंगलवार के दिन आप कर दीजिएगा, विश्वास मानिएगा अपने जीवन में हनुमान जी की कृपा से जितनी बुराइयां हैं धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी और आपके जीवन में अच्छे आनंद का योग बन जाएगा। बिल्कुल, तो अगर आपको भी नशे से मुक्ति पानी है तो ये उपाय जरूर कीजिएगा। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, विक्रम जुड़ गए हैं असम से। विक्रम जी स्वागत है आपका, मैं सवाल पूछिए। जी विक्रम जी आवाज पहुंच रही है। गुड मॉर्निंग सर, मेरा ये सवाल था क्या मैं ये मेरा गवर्नमेंट जॉब मिलेगा कि नहीं मिलेगा? क्या है डेट ऑफ बर्थ आपकी? और ये गवर्नमेंट जॉब मिलेगा कि नहीं मिलेगा, और मतलब मेरा घर परिवार में मतलब अशांति लगा हुआ है, मतलब इसलिए। डेट ऑफ बर्थ बताएं आप। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 8/8/1993। 1983 में जन्म हुआ है। समय क्या है आपका? मेरा समय 8:02 सुबह का। 8:02 सुबह का। जन्म स्थान कहाँ का है आपका? तेजपुर असम। आसाम तेजपुर। अब प्रश्न करिए दोबारा आप। मतलब मेरा गवर्नमेंट जॉब मिलेगा कि नहीं मिलेगा? और मतलब मेरे घर परिवार में पूरा शांति लगा हुआ है, मतलब पढ़ने का मतलब पूरा मन ही नहीं करता घर परिवार आपके में, इतना शांति लगा। आपके पिता के साथ संबंध कैसे हैं? ठीक ठाक ही है। और ठीक ठाक तो नहीं है आपके उनके साथ संबंध? अच्छे नहीं। देखिए जैसे कि पत्रिका का हमने विवेचन किया, हमारे कार्यक्रम का जो मकसद है सबसे पहले तो आपके जीवन में संस्कार आना बहुत अनिवार्य है। अगर आप सरकारी नौकरी को प्राप्त करना चाहते हैं, वो पिता है, उनके विचारों को आप इग्नोर करके आप पुत्र बन जाइए, आप अपने जीवन में जैसे एक पुत्र रूप लेके आ जाएंगे, आपके जीवन में सूर्य जो है अच्छी स्थिति का योग बना देंगे। आपकी पत्रिका में हम देख रहे हैं अमावस्या दोष लगा हुआ है, इसके कारण आपके जीवन में परेशानी का योग बनाएगा, लेकिन सरकारी नौकरी को आप प्राप्त करना चाहते हैं तो पिता के साथ संबंध अच्छा करिए। काल सर्वदोष आपकी पत्रिका में लगा हो उसका आपको निदान करना चाहिए और एक पन्ना रत्न आपको धारण करना चाहिए। गणेश जी की उपासना आपको नित्य करना चाहिए, ओम गंग गणपतये नमः, इस मंत्र का प्रतिदिन आपको पाठ करना चाहिए। आप एक महीने के बाद अगर जो उपाय मैंने बताया है, एक महीने के बाद इसी कार्यक्रम के अंदर आप फोन करके बताइएगा कि आपके जीवन में क्या अनुभव आप महसूस कर रहे हैं। सब वैदिक उपाय हैं, इसको आस्था के साथ करिए, अपने पिता के साथ संबंध अच्छा करिए, सब कुछ अच्छा होता चला जाएगा। बिल्कुल, तो चलिए विक्रम जी उपाय जरूर कीजिएगा। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आचार्य जी, आप हमारे साथ जुड़े, तमाम लोगों की समस्याओं को सुना और समाधान पहुंचाया। तो कल दोपहर 3 बजे एक बार फिर से हम आपके साथ जुड़ेंगे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए लाइव इंडिया। नमस्कार। जय माता दी।